क्या हाल है जी? ठीक हो? मैं आपको बताऊं कि डीसी साहब को हम पहले मुबारकबाद देंगे और तहसीलदार मनकोट को, क्योंकि पिछले साल हम यहाँ आए थे, डीसी साहब भी हवन पर बैठे थे और ये जो स्टेयर्स बनी हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं, रास्ता पक्का कर दिया गया है, ये एक साल में हुआ है और डीसी साहब ने पिछले साल ये वादा किया था कि हम इसकी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देंगे और उन्हें भरपूर तवज्जो दी है। आप देख रहे हैं कि ये स्टेयर्स बन गई हैं, क्योंकि राकेश जी आप भी आते हैं अक्सर यहाँ पर, साथ में रेलिंग लग गई है, कोई गिरे ना यहाँ से, सड़क भी ऊपर तक आ गई है, ऊपर स्टेयर्स बनी हैं। यहाँ भी डीसी साहब ने आज ऑन स्पॉट यहाँ पर कुछ क्रेट लगाने के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। सबसे पहले हम ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं श्राइन बोर्ड कमेटी की जानिब से, राजेंद्र सिंह जी की जानिब से। दूसरी रही बात, तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है, चाहे रामकुंड हो, चाहे लाहौर देवता का ये श्राइन हो, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू एक भी घर नहीं है। सारा साल हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इस इलाके की हिफाजत और सुरक्षा करते हैं। साल में दो बार यहाँ पर मेला लगता है तो ज़ायरीन आते हैं, ज़्यादा वैसे मई के महीने में आते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की ये एक जीती जागती मिसाल है और हमारे राजेंद्र सिंह जी एडवोकेट वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये बड़ी प्राचीन मतलब जगह है, पानी पूरे इस इलाके में नीचे गानी तक कहीं नहीं है, लेकिन ये टॉप के ऊपर पानी है, तो ये लगता है कि यकीनन यहाँ पर कोई पावर है, कोई आध्यात्मिक शक्ति है, कोई रूहानी ताकत है। और बड़े अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सुबह हवन हुआ, हमारे रोहित सक्सेना साहब जाट के कमांडिंग ऑफिसर वो बैठे, डीसी साहब, तहसीलदार मनकोट, पूर्ण आहुति हुई, लंगर हुआ। तो ज़ाहिरीन अभी 2 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे से अपने श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ था जो अभी 2:30 बजे तक जारी है। लोक जात के स्थान पे जो सालाना एक उत्सव होता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उसे ही मनाने के लिए सभी लोग यहाँ के थे। हर साल की तरह यहाँ देखिए हजारों की तादाद में सभी धर्मों के मानने मानने वाले लोग यहाँ आते हैं और जो पुरानी हमारी परंपरा है, यहाँ यज्ञ होता है, यहाँ लंगर होता है, यहाँ आज देखिए तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। हर आदमी अपनी भावनाओं को भाव के जगह पर करता है और मेरा ये मानना है, लोगों का भी ये मानना है कि यहाँ ऐसे लोगों को शांति मिलती है, आपस में भाईचारा होता है, आपस में इत्तेफाक होता है इस बॉर्डर पे। हालांकि यहाँ सुविधा नाम की कोई इतनी बड़ी हम फैसिलिटी लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन उन तमाम चीजों को प्रवाह न करते हुए यहाँ रात को भी तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने यहाँ स्टे किया हुआ है और उनका खाना पीने की व्यवस्था भी यहाँ कमेटी की तरफ से हुई है। जो पुराना हमारा परंपरा है लोहड़ी देवता के बारे में ये कहा गया है कि ये एक ऐसा स्थान है, सदियों से यहाँ लोगों ने अपने मन की मुरादें पाई हैं, अपनी तकलीफें दूर की हैं, यहाँ आके आपस में भाईचारा बढ़ा है। और आज देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हजारों करोड़ों रुपये खर्चती है कौमी यकजहती के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। हमारे इस इलाके में ऐसे स्थानों की वजह से जैसे बाबा रोड देवता हो, जैसे दशम के खड़ा हो, जैसे निराली साहब हो, जैसे बुद्धा अमरनाथ जी हो, जैसे लियार साई मीरा साई अलाई बख्श हो, ऐसी जमात के आने से तमाम लोगों में आपस में भाईचारा हो। इतने बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद भी यहाँ मिलजासी का दौर रहा, यहाँ अनरेस्ट भी रही स्टेट में कई वजह से, लेकिन यहाँ हमेशा लोगों का प्यार जो है यहाँ के वो संकट हुआ, लोगों में आपस में भाईचारा बढ़ा, लोगों को एकता मिली। और देखिए आप, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जिस तरह से लोग सेवा में जुटे हुए हैं, बच्चे देखें, बूढ़े देखें, बुजुर्ग देखें, छोटी बच्चियां देखें, ये दर्शाता है कि हमें इस स्थान के साथ कितना प्यार है और स्थान ने यहाँ हमारी बेहतरी के लिए हमारे साथ हमें कितनी दुआएं दी है। कोशिश कीजिए हर साल नई जो हमारी जनरेशन है, आज यहाँ तकरीबन 40-50 परिवार जम्मू से आए हैं, टांडा से कुछ लोग भी आए हैं, जो भी ये मानते हैं हमारे ये कुल देते थे सदियों से वंचित हुए, आज भी उन लोगों से सुनकर यहाँ के जिस हमारा स्थान लड़ाई हुआ है।
तो मैं शुक्रिया करता हूँ मीडिया हजरात का, आसाद हजरात का, तमाम पुंछी जनता का, पुंछ के पूरे समाज का, खुसूसी तौर पर आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए आज पूरी रात यहाँ तक में 25 से 30 आर्मी के जवान पूरा रात यहाँ, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी का दौर है, इलेक्शन का भी दौर है, उसकी वजह से हमारी प्रोटेक्शन भी मिली, हम आराम से यहाँ काम भी करते रहे, बाबा की सफाई करते रहे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के टैन ब्रिगेड के कमांडर साहब का, यहाँ के जिस तरह हमारे डीसी साहब जो भी यहाँ आए हैं, पीसी साहब भी यहाँ आए थे, आज भी आए हैं, हमने कुछ डिमांडें उनके पास रखी थी, आज भी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यंग आदमी हमारी उन बात पे गौर करेंगे और दुआ करते हैं बाबा जी से कि बाबा जी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं इनकी मुरादें पूरी करें, इनकी जो तकलीफें दूर करें, इनको सही रास्ता दें, ताकि हम सही माने अच्छे इंसानी हो के, एक इंसान हो के इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारें।